हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम आर एस अग्रवाल की जो क्वांटिटी एंड एम्पटीट्यूड की बुक है उससे क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 74 से पहले जितने भी क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर तथा शेष का आधा 20% हानि पर तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच देता है, पूरी बिक्री में उसे होता है, यानी प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया है इसमें एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए उसके पास टोटल कितना कपड़ा है, उसके पास टोटल 100 मीटर कपड़ा है, ठीक है। और 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये, ठीक। तो 100 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपये माना हमने, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दी कितना है, 100 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, आगे क्या दिया है इसमें, सबसे पहले दिया है इसमें आधा कपड़ा। आधे कपड़े का मतलब क्या है, टोटल तो है 100 मीटर, 100 का आधा करेंगे कितना मीटर होगा, 50 मीटर कपड़ा क्या होता है कि वो 20% लाभ पर बेचता है, यानी इसका क्या निकाल दो, सीधे 120% निकाल दो, ठीक। उसके बाद आगे क्या दिया है, तथा शेष का आधा। देखो 50 मीटर तो हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद बचा कितना, बचा 50, इसका भी आधा करना है, यानी 50 का आधा कितना होगा, जो 25 मीटर कपड़ा होगा ना उसको 20% हानि पर बेचता है, तो इसका क्या निकाल दो, इसका 80% निकाल दो, ठीक है। आगे क्या दिया है, तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच देता है, शेष को कितने पर बेचता है, शेष को यानी जो 25 मीटर कपड़ा बचा उसको बेचता है कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस हमने 1 रुपये मानी है, तो क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, इससे ये कैंसिल और 12 पंचे कितना होगा, 60, प्लस इसको काट दो इसके साथ में, कितनी बार कटेगा, 25 को 100, और इसको काट दो कितना होगा, ये 4 × 8, तो ये 20 होगा, प्लस ये कितना होगा, 25, इसको ऐड कर दो कितना आ रहा है, ये 6 × 2 = 8 × 2 = 10, यानी 105 रुपये। तो ये क्या निकाल दिया हमने, ये सेलिंग प्राइस निकाल दी, ठीक। अब देखो हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गई, सेलिंग प्राइस भी मिल गई, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हुआ होगा उसे, यानी प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और बट्टे में हमेशा किस पर निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस पे, तो बट्टे में 100 कर दिया और इसको गुणा कर देंगे 100 से, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब क्या होगा, 5% हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी 5% क्या होगा, उसको प्रॉफिट हुआ, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रोहित 4 घोड़े तथा 9 गाय कुल 26,800 रुपये में खरीदता है, यदि वह घोड़ों को 10% लाभ पर तथा गायों को 20% लाभ पर बेचे तो उसे कुल 3760 रुपये का लाभ होता है, तो एक घोड़ा उसने कितने का खरीदा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक घोड़ा उसने ₹X का खरीदा, कितने का खरीदा उसने, एक घोड़ा खरीदा उसने ₹X का, ठीक है, क्योंकि इसमें गाय का भी दिया है, तो मान लीजिए एक गाय खरीदी उसने ₹Y में, ठीक है। तो एक घोड़े का मूल्य है X और एक गाय का मूल्य है ₹Y, ठीक है। टोटल कितने घोड़े हैं, 4 घोड़े हैं, देखो एक का X है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4X हो जाएगा, ठीक। प्लस देखो एक गाय का मूल्य है Y, तो 9 का कितना होगा, 9Y हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दिया है कि 4 घोड़े तथा 9 गाय का कुल प्राइस कितना है, 26,800, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 26,800 के बराबर हो जाएगा, ये मान लिया हमने इक्वेशन 1। और ये क्या है, ये चीज़ है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि खरीदता है ना वो। अब देखो आगे क्या दिया है, यदि वो घोड़ों को 10% लाभ पर बेचे, ठीक है, घोड़ों को कितने लाभ पर बेचता है, वो 10% लाभ पर बेचता है, घोड़ों का प्राइस कितना है, 4X, इसका क्या करेंगे हम, इसका 10% निकालेंगे, इसमें हम केवल प्रॉफिट ही निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट ही दिया है, ठीक है। तो आगे क्या दिया है, गायों को 20% लाभ पर बेचे, देखो घोड़ों को तो 10% लाभ पर बेचता है, प्लस गायों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, वो 20%, और गाय की प्राइस कितनी है, 9Y, और इसको 20% कर दो इसका, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, तो उसे कुल कितने मिलते हैं, यानी 3760 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, तो बराबर कर दिया 3760 के, ठीक। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब देखो ये तो हमने किससे करा, इसको प्रॉफिट से करा,
यानी केवल हमने क्या लिया इसमें, प्रॉफिट प्रतिशत लिया, यानी 100 में ऐड नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 में ऐड करते तो वो क्या हो जाती, फिर सेलिंग प्राइस हो जाती। और इसको सेलिंग प्राइस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ आपको किस प्रकार से करेंगे। देखो जो घोड़े हैं ना, घोड़ों का प्राइस कितना है, 4x। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 10% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या होगा, 110/100, ठीक है। प्लस गायों का प्राइस कितना है, 9y, इस पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 20% का, यानी 120/100, ठीक है। ये चीज़ क्या निकल गई, क्योंकि हमने 100 में ऐड करा ना, यानी कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट को ऐड करा, तो ये की चीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इसके बराबर हमें केवल लाभ प्रतिशत, केवल लाभ नहीं करना होगा, बल्कि क्या करना होगा, पूरा सेलिंग प्राइस इसके बराबर करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस दिए हमें कितना है, 26,800, प्लस प्रॉफिट कितना है, 3760 का, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी हम, ये जो इक्वेशन है इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ये क्या है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इससे करेंगे, देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन वन तो ये वाली होगी और इक्वेशन टू हम इसको बनाएंगे, ठीक। आप इससे भी सॉल्व करके देखना, लास्ट में आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 10 कॉमन है, तो 10 को कॉमन ले जाके यहाँ पटक दो, तो कितना होगा ये, 4x प्लस 9 × 18 y इज इक्वल टू होगा 3760, और एक ये जीरो यहाँ से भी है, तो कितना हो जाएगा ये, 37,600। ये होगी इक्वेशन टू। अब देखो क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से y की वैल्यू हटानी होगी, या तो यहाँ से हटा दो या यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से y की वैल्यू हटाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 37,600। अब 4x को इधर लेके जाएंगे तो -4x, और 18 को नीचे लेके जाएंगे तो कितना होगा, बट्टे में 18 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब ये जो y की वैल्यू है इसको यहाँ रख दो, तो कितना होगा ये, 4x प्लस 9 × 37,600 -4x अपॉन कितना होगा, 18। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 26,800 के। अब देखो 9 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसको इस दोनों से काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 1, 8 और 16, यानी 8। 2 0 माइनस इस से कटेगा तो 2x, ठीक है। अब देखो 4x ये है, -2x ये है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना होगा ये, 2x इज इक्वल टू। अब देखो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 26,800 में से 18,800 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा ये, 0 0 0, और 26 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4,000, ठीक है, 4,000 रुपये। तो हमें क्या निकालना था, क्योंकि हमें एक घोड़े का प्राइस निकालना था ना, तो एक घोड़े का प्राइस कितना होगा, 4,000, ठीक। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करके वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा देता है, तथा बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसमें लाभ प्रतिशत यानी जो भी प्रतिशत दिया होगा ना, यानी ये वाला जो प्रतिशत दिया है, इसको क्या करेंगे हम, इसको 100 में ऐड करेंगे, ठीक। तो 100 + 10 कितना होगा, 100 + 10 यानी 110 होगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में 100 करेंगे और इसको माइनस कर देंगे 100 से, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी 100 + जो प्रतिशत दिया होगा, ये वाला जो प्रतिशत है वो दिया होगा, उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, और बट्टे में 100 - 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसमें वैल्यू रखेंगे और हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा ये, 110 का स्क्वायर कितना होता है, 110 × 110 कर दो पहले, बट्टे में 100 है ना, तो इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये -10,000 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 100। अब देखो ये कितना, 110 था ना, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 2 0 हैं तो 1 और 2 0 लगा दो, ठीक है, -10,000 / कितना होगा ये, 100। अब देखो 12,000 में, 12,100 में से 10,000 माइनस करेंगे, कितना होगा, 2,100, और बट्टे 100, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो कितना आंसर आ रहा है, 21%, यानी 21% हमारा आंसर आएगा, यानी क्या हुआ होगा, उसको 21% का लाभ हुआ होगा, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वस्तुओं का एक जोड़ा 37.4 रुपये का 15% बट्टे पर खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो अंकित मूल्य क्या चीज़ होती है, एक होती है कॉस्ट प्राइस
एक होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी हमें पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है। अब ये मार्क प्राइस क्या चीज़ होती है, देखो क्या होता है कि कोई भी उस पे जो प्रिंट छपा होता है ना, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस या MRP। ठीक है, यानी मान लीजिए आप दुकान में गए और हमने क्या करा, एक पेन खरीदी। ठीक है, और पेन पे जो मूल्य लिखा होगा ना, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य उसे बोलते हैं। ठीक है, और जरूरी, ये जरूरी नहीं होता कि जो मार्क प्राइस होती है वही सेलिंग प्राइस होती है। अर्थात उसमें क्या होता है कि मार्क प्राइस मान लीजिए 100 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, और दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में बेचा, 90 रुपये में बेचा। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, ये बट्टे का मतलब ही डिस्काउंट होता है। ठीक, और डिस्काउंट हमेशा ही मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ये ना तो कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है ना सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य है एक्स। ठीक, तो मार्क प्राइस हमने क्या मान ली, इसमें एक्स मान ली। अब देखो क्या होता है कि इस पर 15% का क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। कितने का, 15% का। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि 100 में माइनस कर दो तो कितना होगा, ये 85/100 होगा। 100 में 15 माइनस करके 85/100 होगा। और मैंने बोला था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो इसको कर दो तो इस बार सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस होगी एक्स इंटू 85/100। ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। क्यों होगी, क्योंकि जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी वस्तु पर जो MRP है वो 100 रुपये लिखा हुआ। ठीक है, अगर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब उस वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस होगी 90 रुपये। देखो दुकानदार के लिए क्या होगी, वो प्राइस सेलिंग प्राइस होगी, जबकि हमारे लिए वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो जब मार्क प्राइस में डिस्काउंट ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमें दिया है कितना है, 37.4 रुपये। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, 37.4 के, क्योंकि ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस ही है। और ये किसके लिए है, एक जोड़े के लिए, यानी वन पेयर के लिए है अभी। ठीक है, तो अभी एक पेयर के लिए निकालेंगे कितना होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो तो कितना होगा, 37.4 × 100/85। अब देखो इसको 5 से काट सकते हैं, ये होगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना होगा, ये 17। इसको और इसको काट दो कितना होगा, ये 17 × 34 और 3 बचा 17 × 34, यानी 2.2। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 44 रुपीज़। 44, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 44, और एक्स हमने क्या माना था, मार्क प्राइस माना था, यानी मार्क प्राइस कितना आया, 44 रुपीज़। ये कितने के लिए आया, वन पेयर के लिए। और एक पेयर में कितनी वस्तुएं होती हैं, 2 वस्तुएं, क्योंकि हमें इसमें किसमें कितने का निकालना है, प्रत्येक का यानी एक का निकालना है ना, तो एक का कितना हो जाएगा, 44/2 करेंगे तो एक का हो जाएगा 22 रुपये। ठीक, तो प्रत्येक वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, 22 रुपये हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कुणाल ने एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर 2880 रुपये में बेच दिया। उसने सूटकेस कितने रुपये में खरीदा, ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया है, एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। तो हमें नहीं पता मार्क प्राइस क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए मार्क प्राइस कितनी है, 1 रुपये। ठीक, डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस पर कितना दिया जा रहा है, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस निकाल दो कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स इंटू 85/100। देखो सेलिंग प्राइस ये किसके लिए होगा, दुकानदार के लिए, जबकि कुणाल के लिए क्योंकि उसने खरीदा ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दी कितना है, एक्स इंटू 85/100। अब आगे दिया है कि उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर, सूटकेस का अंकित मूल्य कितना है, एक्स है, पर 20% लाभ पाकर, कितने का लाभ पाया उसने, 20%, यानी इसका सीधे 120% निकालेंगे। ठीक है, 20% का लाभ पाकर 2880 रुपये में बेच दिया है। कितने में बेचा उसने, 2880, यानी ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, 2880 के बराबर होगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब इसको गुणा करते हो तो x इज इक्वल टू आएगा 2880 × 10/12। अब इसको काटेंगे कितनी बार, 12 × 24 और 12 × 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2400 रुपये। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आई 2400 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना होगा, 2400 × 85/100।
हंड्रेड। अब देखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 2040, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 2040। और हमें क्या निकालना था कि कितने में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस ही निकालनी थी, तो इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए, कमीशन का मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंट ही होता है ये चीज़, ठीक है, तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि यह कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं हमेशा, यानी उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस की आवश्यकता होती है और सेलिंग प्राइस की आवश्यकता होती है, तो हम इन दोनों प्राइस को निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर कितना कमीशन देता है, वो 10% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्क प्राइस हमें नहीं पता है ना, तो मार्क प्राइस क्या मान लो, एक्स मान लो, 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस होगी एक्स इंटू 90/100। ठीक, तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो लाभ भी हमें दिया है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट होता है 20% का। ठीक, देखो जब हमें सेलिंग प्राइस भी दी होती है और प्रॉफिट प्रतिशत भी दिया होता है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी 20% लाभ का मतलब क्या होगा, 120/100, और कॉस्ट प्राइस के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस है x इंटू 90/100 और इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यानी 120 हो जाएगा ये। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे इसको काट दो, ये 3 से तो ये 4 होगा और ये 3 होगा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 3x/4, ये हमने निकाल दी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। देखो इसमें आगे क्या दिया है, यदि यह कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए। अब देखो कमीशन पहले कितना था, देखो मार्क प्राइस है एक्स, क्योंकि कमीशन तो, क्योंकि जो डिस्काउंट या कमीशन है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब देखो पहले 10% का डिस्काउंट देता था, अब इसमें लिखा है कि बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 20%, तो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी एक्स का 80% निकाल दो, कितना होगा ये, इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 8x/10। अब देखो हमने कॉस्ट प्राइस भी निकाल दी और सेलिंग प्राइस भी निकाल दी, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके ये हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसको बटे में क्या कर देते हैं हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 3x/4 और इसको गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ये, 8 × 32 एक्स माइनस 10 × 30 एक्स बटे नीचे क्या होगा 40, और ये क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा और नीचे, यानी 4/3x इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में से 30 माइनस करेंगे 2x होगा, अब इसको काटेंगे इसके साथ में तो कितना होगा ये, 10, और 10 को भी यहाँ पर एक जीरो काट देंगे तो कितना होगा ये, 2x/3x इंटू 10, x से x कैंसिल, तो कितना होगा ये, 20/3। 20/3 का मतलब क्या होगा, 6 × 2/3, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी 6 × 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक 1,00,000 रुपए में बेचे, इससे घर के बेचने पर 20% की हानि हुई तथा दुकान के बेचने से 20% का लाभ हुआ, कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, यानी प्रतिशत क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, R²/100, जहाँ पे R क्या होता है, जो प्रॉफिट में, यानी जो प्रतिशत में हानि और प्रतिशत में लाभ दिया होता है उसको निकालते हैं। इन क्वेश्चन को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी दो वस्तुएं दी होंगी और उनको दिया होगा कि वो सेम प्राइस पर बेचेंगे, जैसे इसमें पहली वस्तु घर और दूसरी वस्तु क्या है, दुकान, और इनको क्या किया गया, सेम प्राइस पर बेचा गया, यानी 1,00,000 रुपये में बेचा गया, और आगे जो प्रतिशत में हानि और प्रतिशत में लाभ हुआ होगा ना, वो चीज़ भी सेम होगी, यानी 20% की हानि होती है और 20% का लाभ होता है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे और इसमें हमेशा ही क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, तो R² की वैल्यू क्या होगी, यानी 20 × 20 क्या होगा, 100, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा ये, 4%, यानी कितने का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ होगा। ठीक है, यानी कौन सा, देखो इसमें क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत नहीं निकालना, बल्कि क्या निकालना है हमें, लाभ निकालना है या हानि निकालनी है, यानी वो प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें लाभ या हानि में, क्योंकि
इसमें पूछा तो लाभ प्रतिशत है, जो इसमें ऑप्शन दिए हैं ना वो क्या है, वो लाभ प्रतिशत में नहीं दिए है बल्कि प्रॉफिट या लॉस में दिए हैं। तो हम क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक, तो देखो लॉस तो है 4% का। अब देखो सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है, यानी एक तो दुकान बेची उसने और एक घर बेचा, कितने में बेचा, 1-1 लाख का, यानी सेलिंग प्राइस 1 + 1 = 2 लाख हो गई। लॉस हमें पता चल गया कितना है, 4% का। इसका मतलब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी 2 लाख और 4% है 46/100। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, यानी 2 × 100/96 होगा, क्योंकि क्या कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस को उल्टा कर देते हैं। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 48 और इसको काट दो, कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 25, क्योंकि 4 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 12। तो कॉस्ट प्राइस निकाल दिया हमने कितना है, 25/12 लाख, और सेलिंग प्राइस हमें पता है कितनी है, 2 लैक्स। ठीक है, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, तो 12 × 24 और 24 − 25 करेंगे कितना होगा, 1/12, यानी 12, 1/12 लाख का क्या होगा, उसे लॉस होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 2/3 स्टॉक 20% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर बेचता है, उस व्यापारी को कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें फ्रैक्शन में दिया है, यानी हम वैल्यू ऐसे मानेंगे जिससे कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है ना ये कट जाए, यानी हम 3 का मल्टीपल मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 3 का मल्टीपल मानेंगे, साथ में प्रतिशत भी है, तो क्या मान सकते हैं, हम 300 मान सकते हैं। मान लीजिए टोटल स्टॉक कितना है, 300 का है, और 1 का मूल्य है 1 रुपये, तो 300 का कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो टोटल स्टॉक तो 300 का है, इसका जो 2/3% है, यानी 300 का 2/3% कितना होगा, इससे ये कैंसिल, तो 2/3% यानी 200, तो 200 को तो बेचता है वो कितना है, 20% लाभ पे। ठीक, प्लस शेष यानी 200, यानी टोटल 300 है और 200 को 20% लाभ पर बेच दिया, बचा कितना, 100, इसको बेचता है वो 14% लाभ पर, तो इसका 114% निकाल दो। ठीक है, तो अब देखो ये क्या मिल गया, ये हमें सेलिंग प्राइस मिल गई। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 12 दिन कितना होगा, 240 होगा, ये प्लस 114, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 और 4 और 1 5 2 और 1 3, यानी सेलिंग प्राइस हमें मिल गई कितना है, 354, और कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना है, 300। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो 54 का प्रॉफिट हुआ, किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस में होता है, तो बटे में 300 कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 8 24, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको 18% का, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति को 2 घोड़े में से प्रत्येक को 400 रुपये में बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यदि एक घोड़े पर 25% लाभ हो तो दूसरे घोड़े पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, हमें ये निकालना है। देखो 2 घोड़े हैं, पहले के सेलिंग प्राइस कितना है, 4,000। ठीक है, दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी है, दूसरे की भी सेलिंग प्राइस है 4,000, क्योंकि दोनों घोड़ों में प्रत्येक को कितने में बेचा उसने, 4,000 में बेचा। ठीक है, अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसको, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस होगी उसकी 8,000 की। अब इसमें दिया है ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 8,000 रुपये होगा। इसका मतलब उसने 8,000 में खरीदे और 8,000 में ही बेचे, तो उस कंडीशन में उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। अब इसमें आगे दिया है यदि एक घोड़े पर, यानी मान लीजिए ये जो घोड़ा है इस पर 25% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट भी 25% हमें दिया है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, 4,000 × 100/125 करेंगे। अब देखो इसको 25 से काट सकते हैं, 25 को 100, 25 × 125, इसको 5 को इसके काट दो, कितना होगा, 8 × 5 = 40, 8 को कितना होगा, 32, यानी जो पहला घोड़ा था ना उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3200। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस है 8,000, इसका मतलब दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, जब हम 8,000 में से 3200 माइनस करेंगे। ठीक है, तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 0 0, 10 में से 2 = 8 और 7 में से 3 = 4, यानी दूसरे की कॉस्ट प्राइस होगी 4800, और दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी है, दूसरे की सेलिंग प्राइस है 4,000, इसका मतलब कितने का नुकसान हुआ उसको, 8,000 का, ये 800 का, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 4800 पे। तो इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसको 8 से काट सकते हैं,
आठ छक्के 48, यहाँ पे कितना होगा 8 एकम 8, यानी 100/6। तो इसको काट दो कितना होगा, ये 6 एकम 6 और 6 छक्का 36 और बचा कितना 4/6, इसको काट दो 2/3, यानी 16 से ही 2/3% का क्या हुआ उसे लॉस हुआ, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति दो फ्लैट 1.995 लाख रुपए प्रति फ्लैट की दर से खरीदता है। एक पर वह 5% का लाभ कमाता है जबकि दूसरे पर उसे 5% की हानि होती है, तो सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये देखो ये जो प्राइस है ये दोनों फ्लैट का यानी दोनों वस्तुओं का प्राइस सेम है और एक में क्या होता है लाभ होता है और एक में हानि होती है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी R²/100 से। ठीक, इसका मतलब 5×5/100, तो 25/100 होगा। ठीक है, 2 जीरो हैं तो दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इसका मतलब 0.25% क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।